गुरुदेव का इतिहास उठा के देखना, कभी उनने किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे से तो व्यक्तिगत तौर से कितना रहा प्रेम करते थे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं तो उनके उस भार से ही दबा रहता था, लेकिन उनने कभी नहीं पूछा कि घर में सब ठीक तो हैं, पत्नी ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, माता पिता ठीक, कुछ नहीं। सब मालूम था, उनके माता भी हैं, पिताजी, क्योंकि पिताजी भी वहाँ रहते थे, उनके पास रहे हैं, बच्चे परमात्म भी रहता था, सब जाते आते थे, सब मतलब जानते थे सब सब, लेकिन कुछ से नहीं पूछा कभी भी। ऐसा नहीं लगे वो काय का बात, चल कैसा प्रेम, कुशलता तो पूछ लेते, तबीयत तो ठीक है इतनी तो पूछ लेते, कुछ नहीं। और वे तो मुनिराज नहीं थे ना, फिर भी देखो, फिर पढ़ता हूं जहां से मैंने निशान लगाने को बोला था। किंतु वह सुखराग 28 मूल गुणों को सावधानी पूर्वक पालने में, ख्याल में आया ना, जब शुभ रूप में आ गए और जिनागम का गहराई से अध्ययन करने कराने में यही काम रह गए, कि वहां से आएंगे तो यही करेंगे और उपदेश देंगे बहुत से बहुत और तत्व चर्चा करेंगे, बस इतना तक सीमित रहना चाहता है और रहना चाहिए, अन्यथा श्रावण्य खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। जिन मंदिर निर्माण और पंच कल्याणक महोत्सव आदि गृहस्थोचित कार्यों में मन वचन काय कृत कार्य तनबोधना से अपने चित्त को रंजायमान करना सामान्य को खंडित करने वाले कार्य हैं। ये गृहस्थोचित काम है, कौन मंदिर बनाना पंच कल्याणक कराना, ये महाराजों के काम नहीं है। हम अपने लिए घर बनाते हैं तो हम मंदिर भी बनाते हैं, है ना, हम अपने लिए बनाते हैं, वे अपने लिए नहीं बनाते हैं, वो ही छोड़ दिया उनने, जंगल में गुफा में बास करते हैं, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से बोलो, इतने बढ़िया 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 सजाने की क्या जरूरत है, इन्हें सोने चांदी से मढ़ने की क्या जरूरत है मंदिरों को, सीधे नीट एंड क्लीन पत्थर लगा दो, सफाई ठीक रहे, मेंटेनेंस लिए, संगमरमर लगाना हो संगमरमर लगा दो, सफाई रहे इसके लिए, लेकिन उसमें एक ज्यादा कलाकारी की क्या जरूरत है। वो क्या कहते हैं, वो क्या काम कराते हैं, उसको उत्कीर्ण कराते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन है उसकी, क्या उससे क्या मालूम, उससे तो उसमें कूड़ा और जमता है, मैल जमता है, उसकी सफाई ढंग से नहीं होती है, कीटाणु पनपते हैं, सीधा सच्चा लगा दिया, बढ़िया खत्म, क्या करना। हमारे अंदर सजाने की प्रवृत्ति है ना, तो अपने अपने शरीर को सजाएंगे, तो उससे नहीं बनेगा तो अपने घर को सजाएंगे, फिर नहीं होगा तो मंदिर को सजाएंगे, जहां हम जाएंगे वहां हम अपना सजावट का ही काम करेंगे, ऐसा अपने शरीर को भी नीट एंड क्लीन नहा दिया लिया बस पर्याप्त है, क्यों ऐसा घर का भी नीट एंड क्लीन सफाई रहे बहुत बढ़िया पर्याप्त है, ऐसा मंदिर भी नहीं सब कुछ, इसमें कहाँ जरूरत है ज्यादा आडम्बरों की। ये वो कोई तात्विक वाक्य लिखना कि जो हमारे उपयोग में बार बार जाए तो हमें अच्छा सम्मान ज्ञान तारतराणी मोक्ष मार्ग का लिखना, क्या समझ में आया ना, रत्तो बंधि कम्मम जीवो मुंचदि विराग संपत्तो येषो जिनो विदेशो तम महा कम्मेशु महारज्य, ऐसे वाक्य लिखना जिससे हमारी निगाह पड़े तो हुआ, वो सजाना नहीं है क्या है? ये बेल बूटे बनाना ये सब सजाना है क्या? देखो, विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि मुनियों को हिंसायतन होने से परद्रव्य का प्रतिबंध हे है, प्रतिबंध वही माने प्रतिबद्धता, प्रतिबंध हे है माने प्रतिबद्धता हे है, उनके प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना, वो स्वद्रव्य में प्रतिबंध माने अपने द्रव्य के प्रति प्रतिबद्धता उपादेय है, ठीक है। अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि अत्यंत निकट के सूक्ष्म पर द्रव्य का प्रतिबंध भी मुनिपने के छेद का आयतन होने से अत्यंत हे है,
साथ ही यह स्पष्ट किया जा रहा है कि छेद क्या है। वो कहते छेद होना, तो छेद है क्या? हम तो इसको ही छेद समझते हैं, मुझे ऐसे ऐसे हो जाता है ना। पढ़ो गाथा पढ़ो। आवस देवा पुणो विहारे वा ओवधिं हि वा निबद्धम् णेच्छति समणम् हि विकदम् हि अपयत्ता वाचर्या सवेणासन ठाण चंकमादिषु समणस्य सर्वकाले हिंसा सा संतयति मदा आवास में उपवास में आहार विकथा उपधि में श्रमण जन विहार में प्रतिबंधना चाहे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदि क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना। आवास में उपवास में आहार में, देखो मेरा क्रम मूल में ऐसा है, भक्ति माने आहार में, इसमें तीसरे नंबर पे आहार, छपड़े माने उपवास में, तो आवश्य माने आवास में, वो तो गुफा में रहते हैं ना, और फिर बिहार में इनमें, और उपाधि माने परिग्रह में, जो भी है ना पीछे कमंडल इनमें में, और विकथा में और दूसरे श्रमणों में वो निबद्धम नेच्छति, वो उनसे कुछ संबंध नहीं चाहते, उनमें ज्यादा जो अपने को जुड़ान करना नहीं चाहते हैं। देखो काय में शयन आसन स्थान माने खड़े रहना और चलना, आदिक में यदि अप्रयत्न अयत अयत माने तुमने सावधानी पूर्वक नहीं चले तो ये हमेशा हिंसा होगी। अब ये तो बहुत आगे की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें चार हाथ जमीन देख के चलेंगे है ना, और हम वो ऐसा समिति होती है तो आहार का भी सब चीज शोध शोध के सब करेंगे, और फिर आदान निक्षेपण पिछली कमंडल उठाने रखने में भी बराबर, कोई जीवाणु ना दब जाए ये रखेंगे, मलमूत्र के क्षेपण में भी करेंगे, लेकिन ये सब करने पर भी आखिर वो तो है ही कहते हैं, इसमें सूक्ष्म जीवों की हिंसा से तो आप बच ही नहीं सकते हो। मैं तो ऐसा कहता हूँ इसको कि चार हाथ जमीन देख के चलना ना, तो वो जितने वो ही जीव तो दिखेंगे ना कि जो चार हाथ से हमें दिखाई देते। अब देखो जरा तुम्हारी आंख तो बिल्कुल बढ़िया है ना, बिना चश्मा के देखते हो ना, और चश्मा लगाना हो तो चश्मा लगा लेना है, पढ़ना इसे नहीं नहीं पढ़ सकते, ये तो नाटक समय सार है भाई तुम्हारा, नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब है कि जीव इतने छोटे नहीं होते हैं जितने इसके अक्षर हैं, तो इतने छोटे भी तो जीव होते हैं जिन्हें चार हाथ से देख कर तुम नहीं पढ़ सकते, माने आपको ऐसा इतना रखना पड़ता है, ऐसा हो तो नहीं पढ़ सकते, होता है क्या? नहीं होता है। तो चार हाथ से नहीं दिखें ऐसे छोटे जीव भी तो होते हैं कि जो एक हाथ दूरी रहने पर ही दिखते हैं, तो जितने ये अक्षर हैं हमें एक हाथ दूर पर रखना पड़ते हैं ना, तो वो छोटे जो जीव हैं वो तो हमारे पैर के नीचे आ ही जाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करें, हम कर क्या सकते, बैठ के तो चल नहीं सकते हैं, घुटने में आंखें होती तो हम एक हाथ आगे का देख के भी चल सकते थे, ये आंखें जो यहाँ है ना एक घुटनों में होती तो देख सकते थे ना, लेकिन नहीं है, अब जो हैं सो हैं, चलना तो यदि चार ही हाथ से पड़ेगा तो उसे सूक्ष्म जीव मारे ही जाएंगे। तो कहते इन सब चीजों में प्रयत्न करने पर भी सूक्ष्म हिंसा तो होती ही है ना। देखो मुनिराज आहार में विहार में आवास में उपवास में उपाधि माने परिग्रह में और अन्य मुनिराजों में
और दुखता में प्रतिबद्धता नहीं चाहते, इनसे किसी से बंधे वो नहीं चाहते। ठीक है, आज तेरे घर आ जाऊंगा, 1,00,000 देने पड़ेंगे, वो कोई प्रतिबद्धता नहीं चाहते किसी से कि भैया तेरे घर आ जाऊंगा, है ना। मुनिराजों की शयन आसन खड़े रहने गमन आदि में असावधानी पूर्वक की गई चर्या सदा सतत हिंसा मानी गई है। माने वो बिल्कुल बराबर चार हाथ जमीन देख के भी चले तो भी अहिंसा नहीं हो गई, कहीं वो ऐसे आ जाओ जी मर जाए तो उन्हें बंध नहीं होगा। अरे एक करुणा नियोग वालों से निपटते रहना, बंध होगा कि नहीं होगा, तो ये बंध होगा कि नहीं होगा हमें इससे लेना है कि वो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे। ये तो तेरा स्वार्थ हो गया, सुनना क्या कह रहा हूँ दीपक भाई, कि हमें तो बंध नहीं होगा, तो तूने अपने अपने को बंध से बचा लिया, उनको मारने से तो नहीं बचाया, बचा ही नहीं सकते। समझ में क्या कह रहा हूँ, ये तो बहुत स्वार्थ की बात हो गई ना, कि जी मर भी जाएंगे तो हमें बंध नहीं होगा, तो मर जाएंगे ना, माने आप हिंसा से तो बचे नहीं ना, दृढ़ हिंसा तो हो गई ना, जब भाव हिंसा नहीं होगी तो दृढ़ हिंसा हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है माने वे मरेंगे नहीं क्या, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। ये जो टीका है ये बहुत मार्मिक है, मैं इसे पढ़ूंगा पूरी, आप शांति से एक एक शब्द पर ध्यान देना, जहां जहां जरूरत समझूंगा मैं ध्यान दिलाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डले हैं ना, 7 पॉइंट हैं जो ऊपर बताए गए हैं। देखो, मुनि पने के सहकारी कारण भूत शरीर के, इतना वाक्य है ना कि ये मुनि पने के सहकारी कारण भूत, कारण भूत क्या है कि शरीर, नहीं दिगंबर मुनि दिशा तो शरीर सहित के होगी ना, कारणभूत शरीर के निर्वाह मात्र के लिए, वैसे शरीर बना रहे शरीर का निर्वाह हो जाए के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में, अकेला आहार में ही लिखा ऊपर तो गाथा में, अब वो आहार के लिए उन्हें शर्त लगा दी कि मुनि पने का साधन है शरीर, और शरीर को टिकाए रखने के लिए जो किया जाए वही आहार, और कुछ मतलब नहीं, स्वाद के लिए नहीं। क्या होता है वो छोटी छोटी पूड़ी होती हैं, वो पानी वानी डाल के कहते हैं, क्या बोलते गुपचुप गुपचुप क्या बोलते हैं, गोलगप्पे। महाराज को क्या जरूरत है गोलगप्पों की, पेट भरने के लिए जरूरत पड़ती होगी उनकी। देखो मैं फिर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मुनि पने के सहकारी कारणभूत शरीर, उस शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में, ख्याल में आ गई, और जिसमें शरीर का निर्वाह का विरोध ना आवे, मान शरीर के निर्वाह का मामला बिगड़ जाए, और शुद्धात्म द्रव्य में अविकारी निस्तरंग स्थिरता होती चली जावे ऐसे अनशन में। देखो अब अनशन करने का क्या क्या है, क्या शर्त लगाई कि शरीर कमजोर नहीं पड़ जाना चाहिए, ऐसा अनशन नहीं कराना, तुम क्या 10 कर दिए मैंने पर्यूषण में, अब मैं चल नहीं पाता हूँ, फिर 3 दिन बाद जब खाऊंगा पीऊंगा तब फिर खड़ा होने लगूंगा, नहीं नहीं कर सकते, पाप है। मैं कह रहा हूँ गद्दी पे बैठ के पाप है, घबराना नहीं, लिखा है ना, देखो देखो क्या लिखा है, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध ना आवे। अब शरीर के निर्वाह का विरोध आ रहा ना तो वो अनशन नहीं हुआ, शरीर का निर्वाह नहीं हो रहा, 10 दिन तक कुछ नहीं खाया पानी नहीं पिया तो अंदर में जितना जहां मल था वो सूख गया हैं, अब पेट खराब हो गया हैं, फिर आगे लगे तो पायल्स हो गए, पता चले कि तकलीफें हो गई, तो शरीर का निर्वाह बिगड़ गया ना, भगवान की आज्ञा नहीं है, ऐसे अनशन करने की आज्ञा आपको नहीं है, हैं? समझे ना। मेरी एक बुआ जी थी, ऐसे ही मर गई, बस उपवास किया था, ऐसे उन्हें 5-7 उपवास कर लिए होंगे, मैं तो बहुत छोटा था, 5-6 वर्ष का रहा होऊंगा,
है ना, बस वे बीमार हो गई बाद में, बस मैंने तो इतना याद है। अब लो अब हम क्या करें, अब लो अब हम क्या करें, यही सुनते सुनते मैंने सुना बस कदम, उनका नमोकार मंत्र यही था, वो मर गई। कहा शरीर का निर्वाह कहाँ हुआ, अनशन, अनशन की क्या शर्त है, महिलाएं सुन लो कि शरीर डिस्टर्ब नहीं हो इतना ही कर सकती हूँ बस कदम। आपकी बिल्कुल जो शरीर की व्यवस्था है ना, तो जैसी है, पेट साफ होना, ये होना, वो नहीं बिगड़े, ऐसा नहीं अब आज कमजोरी हो गई तो आप प्रवचन में नहीं जा पाए, ये नहीं हो, आपकी दिनचर्या ना बिगड़े, सब बिल्कुल उतना ही आप आहार का त्याग कर सकती हैं। यदि एक दिन के भी त्याग करने में गड़बड़ होती है तो नहीं करना। ये नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध ना आवे, ये सब संस्कृत में है, तुम संस्कृत के सब विद्वान हो, देख लेना, मिलान कर लेना, है ना। और शुद्धात्म द्रव्य में अविकारी निस्तरंग स्थिरता होती जावे, ऐसे अनशन में, अब मैंने कर लिया, और नाम अंदर अंदर में वो शुद्ध उपयोग की तरफ उपयोग जावे, और नीरंग निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए सेवन किए जाने वाले ऊंचे पर्वतों की गुफाओं के निवास में, गुफाओं का निवास काय के लिए, कि नीरंग निस्तरंग जो अंतरंग द्रव्य है आत्मा, उसके ध्यान के लिए करना है, वहां 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 जाकर के बैठ के बढ़िया शतरंज खेलने के लिए, ताश माश खेलने के लिए, और यहाँ वहां की गप्पे लगाने के लिए गुफाओं का निवास नहीं है क्या? जिस गुफा में एक मुनि राज चले दूसरे आ सकते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं रोके, किवाई नहीं होते हैं, क्यों नहीं आ सकते मुनिराज, तो क्या शेर भी आ सकता है, और भी जीव जंतु आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, लेकिन बस आए और नहीं आए, हैं कि नहीं है, दूसरे मनराज भी इसी गुफा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इन महाराज को कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात करते हो, महाराजों को आप बात चले तो होने चाहिए, रामा श्यामा तो होने ही चाहिए। अरे दादा नहीं चाहिए, मैं अभिनय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, विनय मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, करना हो तो इधर कर लो नमस्कार, फिर शांति से आत्मा का ध्यान करो, फिर ऐसा ध्यान भी मत रखो कोई यहां बैठा है ना। और शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले विहार में, कि विहार कहां, और काम के लिए कोई घूम नहीं जाना, बगीचा देखने के लिए नहीं जाना, मैंने कल फोटो देखा है ऐसा कि निरीक्षण कर रहे हैं बाढ़ का, ऐसा देखो कैसा क्या लिखा है देखो, शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले विहार में, बस उस आहार के लिए जाए वह यही विहार है, बाकी एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो वो अलग बात है, और चौमासे में तो जाना ही नहीं है दूसरे गांव में, अकेला वो ही रह गया। लिखा ना इसमें जो मैंने कल कहा था कि मैं सोच रहा था कि इतनी परमिशन तो होनी चाहिए कम से कम कि यहाँ घूम ले मैं, लेकिन अभी इसमें नहीं लिखी, नहीं दी उनने, ये तो मेरे मन का विकल्प बताया था मैंने। क्या शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले बिहार में, और श्रावण पर्याय की सहकारी कान होने से जिसका निषेध नहीं है, ऐसी देह मात्र परिग्रह में, बस ये शरीर ही परिग्रह है उनका बस, क्योंकि ये छूट नहीं सकता, इसे राग तो छूट ही गया है, हैं शरीर नहीं छूटता। परस्पर बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है ऐसे अन्य मुनिजनों में, देखो दूसरे मुनिराजों से बोलचाल कभी कदाचित हो गए, बोलचाल माने बातचीत, तो कैसे बोध बोधक भाव से जिनका परिचय है, ये बोध बोधक भाव क्या होता है, कोई बात हमें नहीं आती है और कोई है नहीं और शायद उन्हें आती होगी तो हम पूछ लेंगे महाराज यही आपको ख्याल में है क्या है, ऐसा हो तो बता दें, नहीं कह दें मुझे ख्याल में नहीं है, ऐसे बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, उसमें भी कथनचित लगा दिया है, ये परिचय वो भी बर्दाश्त, परिचय की जरूरत नहीं है, क्या समझ गए ना, ऐसे अन्य मुनि जनों में और शब्द रूपी पुद्गलों के संबंध में
जिसमें चैतन्य की भक्ति का भाग मलन होता है। कहते शब्द बोलते हैं ना अपन, अच्छे अच्छे कहानी किस्से सुनाते हैं, राग ले लेके गाने भजन सुनाते हैं, तो कहते हैं कि चैतन्य की जो भीत है वो मलिन हो गई उससे। तो जिसमें चैतन्य रूप भित्ति का भाग मलिन होता है, ऐसे शुद्धात्म द्रव्य के विरुद्ध कथा में भी मुनिराजों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है। प्रतिबंध माने प्रतिबद्धता, माने उससे उससे भी बंधना नहीं चाहिए उन्हें, इनका निषेध है नहीं करना। देखो तात्पर्य यह है कि इनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है, इनके विकल्पों में भी नहीं उलझना जाना। ठीक है, आग को जाएंगे तो चले जाएंगे, फिर चौबीस घंटे सोच रहे, यही सोच रहे, बिहार की सोच रहे, वो गुफा की सोच रहे। ये देखो अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत बढ़िया है, वो महाराज रहते होंगे उसमें, तो उन्हीं ने बना दी होंगे वो चित्र बढ़िया बढ़िया। क्यों? अरे तुमने उस आगे उसमें चित्र बना दिए, और वो सब तरह के बना दिए, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, हैं आप जाके देख लेना। क्यों? आजकल आते हैं ना विदेशियों को देखने के लिए बन गए, उन महाराज के नहीं रहने लायक गुफाएं कर दी तुमने, तो उन गुफा में रहते तो बाबी तुमने रहने लायक नहीं रहने दी। मुझे एक बात बताओ, मैंने मेरी एक किताब, मैंने 12 भावनाएं लिखी थी, तो 12 भावना की किताब थी, अकेली गद्य पद्य की 12 भावना, गद्य नहीं, गद्य वाली अलग है, तो उसके ऊपर एक चित्र मैंने बनवाया था। कैसा था? 6 चित्र थे एक महिला के, ख्याल में आया आपके? कि जब वो 10 वर्ष की थी तब कैसी थी, 20 वर्ष की थी तब कैसी, 30 की होगी तो कैसी, 40 की होगी तो कैसी, 50 की कैसी, 60 की कैसी, ऐसे उसमें ऐसे चित्र बने, मैंने एक ही कैसे बदलती जाएगी, वो आता ना कि ऐसी हालत हो जाएगी बुढ़ापे में, ऐसा चित्र था बढ़िया। मैंने विद्यासागर जी महाराज को भेंट की। देखो मैं ये सब बोलता हूँ साफी गद्दी पर, मतलब किसी निंदा के लिए नहीं बोलता हूँ रंच मात्र भी, बल्कि अधिकांश तो उनकी प्रशंसा के लिए ही बोलता हूँ। वो मैंने उन्हें भेंट की तो उनने नहीं ली, छुई नहीं किताब, तो मेरे उनसे वात्सल्य भाव उनका भी मेरे प्रति था, मेरा भी उनके प्रति था, तो वो मेरी किताब नहीं ली, मेरी कुछ समझ में नहीं आई कि मैंने ऐसी भेंट करी, ऐसी किताब ये भेंट करी, तो वो नहीं ली उनने। मैंने बाद में पता लगाया कि क्यों नहीं ली, कैसा उसमें महिला का चित्र था, तो मुझे लगा कि नहीं भाई ठीक है, यदि महाराजों को देना है तो महिला का चित्र नहीं होना चाहिए। आप कौन समझेंगे ना, जैसे मुनिराजों के चित्र हैं अच्छे बढ़िया है ना। देख अब फिर मेरे को विकल्प आया कि ये मंदिरों में ये सब चित्र महिलाओं के हैं ना, देखो एक महिला वो बैठी पीछे तुम्हारे, तो महाराज इन्हें देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, कुछ चंदना आहार दे रही किसको, महावीर को, तो वो देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, फिर पूरी नहीं देखते होंगे, मतलब जब इतने, माने मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप निंदा नहीं समझना, यानी उनको इतने तो गुफाओं के चित्रों की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब जैसे चित्र वहां बना दिए, क्या जरूरत थी उन्हें शांति, बिना वैसी सीधी नीट एंड क्लीन नहीं रह सकती थी, है? कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। इसमें लिखा चित्त की भित्ति को रंगना नहीं चाहिए, लिखा ना, इनकी बातें सोच सोच कर चित्त की भित्ति को नहीं रंगना चाहिए, लिखा ना, वस्तुतः अशुद्धोपयोग छेद है। देखो अब क्या कह रहे हैं, और ये जो 7 चीजें हैं जो बताई आपकी, ये अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती, माने शुभोपयोग में होती है, माने शुद्धोपयोग में तो होती नहीं है, क्योंकि उसमें शुद्धोपयोग रूप सामान्य का छेदन होता है, इसलिए ये छेद है। कहा था ना, अब हम तुम्हें बता रहे छेद क्या है, तो तुम समझ रहे हो कोई मारना पीटना ये करना ऐसा होता होगा ये छेद, अरे ये तो कल्पना की बात नहीं है, ये छेद है।
यह अशुद्धोपयोग ही हिंसा है, क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप श्रावण्य का हनन होता है। इसलिए अशुद्धोपयोग बिना नहीं होने वाली शयन आसन स्थान माने खड़े रहना और गमन आदि क्रियाओं में ये अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती। शुद्धोपयोग में गमन नहीं होगा, समझिए ना। असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, माने वो चल रहे तो वे जीव मरे नहीं मरे तो भी धारावाही अहिंसा है। ये बोल रहे अयतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति है वो, कि हम तो खूब देख के सावधानी पूर्वक कह रहे कि वो चलने में ही है, उसमें सावधानी आती ही नहीं, हमें इससे ज्यादा दिखता ही नहीं है ना। क्या लगा, अशुद्धोपयोग बिना नहीं होने वाले शयन आसन स्थान और गमन आदि क्रियाओं में असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, जो छेद से अनन्य ही है, छेद ही है, छेद से भिन्न नहीं है। ये अच्छा, अब ये आचार्य जयसेन का है, ये पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं। अब मैं ये पढ़ता हूं अंत का। उक्त संपूर्ण मंथन का सार यह है कि यद्यपि मुनिराजों का चेतन अचेतन पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, तथापि शरीर की स्थिति के लिए आहार, ध्यान से सुनना, अभिकारी निस्तरंग स्थिरता के लिए शरीर के निर्वाह का अविरोधी अनुसन, निर्विघ्न आत्म साधना के लिए किया गया जाने वाला गिरी गुफा का निवास, आहार के लिए जाने वाला बिहार, मुनि दशा रूप देह मात्र परिग्रह, तत्व चर्चा के कारण परिचित मुनिजन और शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य विषयों की कथा, ये सात ऐसी बातें हैं जो संतों के जीवन में छठवें गुणस्थान की भूमिका में ही हो सकती हैं, होती हैं। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि इनसे बच पाना संभव ना हो तो भी उनके संबंध में होने वाले विकल्पों से चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, इनसे बच नहीं पाएंगे मुनिराज तो भी इनके बारे में सोचते रहने, ये अपने चित्त की भूमि को चित्रित होने देना है। ठीक है, होगा आहार तो हो जाएगा, विहार करेंगे जब कर लेंगे, अभी काय को हमें प्लानिंग 6-6 महीने पहले से बना रहे, समझ गए शांति जी। ये सभी अशुद्धोपयोग की दशा में होने वाली क्रियाएं हैं, और यहां कहा जा रहा है कि अशुद्धोपयोग छेद है, हिंसा है, अतः यदि उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव ना हो तो उनमें सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है कि जब आसन अनसन गिरी गुफा में के निवास, आहार के लिए विहार और देह मात्र परिग्रह और तत्व चर्चा के लिए परिचय और बोलना, ये भी निषेध हैं, तब देह पोषण के लिए अनसन प्रतिष्ठा, देह भोजन के लिए असन प्रतिष्ठा के लिए अनसन, 8 दिन के 10 दिन के एकाई के लिए है, प्रतिष्ठा के लिए है ना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में निवास, अनावश्यक अनर्गल विहार, मुनि दशा में पूर्णता अस्वीकृत परिग्रह, अज्ञानी अवृत्तियों से घना परिचय और व्यर्थ की कथाओं से मनोरंजन, ये सब मुनि दशा में कैसे संभव है। जब उक्त कार्य भी संभव नहीं है तो फिर मंदिर निर्माण आदि गृहस्थोचित कार्यों को करना कराना तो बहुत दूर, उनकी अनुमोदना भी कैसे हो सकती है। कहते हमने हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अनुमोदना करी है, लेकिन अनुमोदना भी नहीं कर सकते। कृतकायत अनुमोदना का 3 का 1 सही पाप है ना। अभी ये 217 का था, आ गई, अब कल ही करेंगे।